हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ्स विथ मैजिक। आज हम लोग क्लास सिक्स का एक्सरसाइज 8B देखेंगे, ठीक है। और 8B में हम आपको सारे के सारे डेफिनेशंस ऑलरेडी समझा चुके हैं ना, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है ना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, फिर टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, फैक्टर्स, कोएफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म, लाइक एंड अनलाइक टर्म, ये सब कुछ हम आपको बता चुके। तो चलिए आज शुरू किया जाए क्वेश्चन नंबर वन फ्रॉम एक्सरसाइज 8B। लुक, देखो यहाँ ध्यान से समझना, ठीक है। लिखा है इफ a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 क्वेश्चन दिया है 1 में, ठीक है। अगर हमें क्या करना है, a का वैल्यू मान लो 2 दिया है, a क्या दिया है 2 और b क्या दिया है 3, ठीक है। a दिया है 2, b दिया है 3, तो हमें क्या करना है, जहाँ a है वहाँ पे 2 को रख देना और जहाँ b है वहाँ को 3 को रखना है, और जैसे जो दिया है उसे सॉल्व करना है, ठीक है। गेटिंग मी व्हाट आई सेड वेर एवर a रिटर्न यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2, ओके, एंड वेर एवर b इज रिटर्न यू हैव टू राइट 3 एट द प्लेस ऑफ b, ओके, और फिर कैलकुलेट करके यू हैव टू राइट द वैल्यू, ओके। लुक द फर्स्ट क्वेश्चन, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व ऑल दिस 6 क्वेश्चन, इस 6 में से कुछ क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। जैसे देखो, सबसे पहला देखो, पहला ए नंबर, ए के जगह क्या पुट करना है हमें, ए के जगह पे 2 पुट करना है, ठीक है, एंड प्लस प्लस लिख देंगे, बी के जगह पे क्या पुट करना है 3, तो 3 पुट कर देंगे, ठीक है। तो 2 प्लस 3 क्या आ गया, 2 प्लस 3 फिर ऐड करेंगे क्या आ गया, 5 बस, ओके। अब देखो बी नंबर, ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, हम आपको बताए थे जैसे ऐसे रहता है, ए बी सी है मान लो, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इंटू बी इंटू सी ऐसे हुआ है ना, ए बी सी लिखा है तो मतलब बोल ए इंटू बी इंटू सी होता है, और मान लो ऐसे लिखा है ए स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इंटू ए। अगर बी स्क्वायर लिखा है तो मीन्स क्या, पी इंटू बी। अगर बी क्यूब लिखा है तो बी इंटू बी, ठीक है। यहाँ पे जितना पावर होगा उतना टाइम्स लिखते से, 2 है तो 2 बार लिखा, 2 था तो 2 बार लिखा, ठीक है। तो देखिए ए, ए क्या है 2, तो देखो पहले एक ए स्क्वायर, तो ए पे पावर 2 लगाओ, ठीक है। ए स्क्वायर, ए की जगह क्या पुट करना है, 2 प्लस प्लस दिया, बी ए अगेन ए, ए क्या लगाना है 2, यहाँ कुछ नहीं तो मीन्स वर्ड इंटू है, इंटू बी, क्या बी की जगह क्या लगाना है 3, ओके। नाउ टेल मी, स्क्वायर है तो 2 इंटू 2 डन, प्लस इससे मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट 6, नाउ 2 इंटू 2 4 प्लस 6 विल गेट 10 आंसर, विल गेट 10 आंसर, ओके। उसी तरीके से फिफ्थ नंबर आप देखिए, फिफ्थ है 5a² माइनस 2 इंटू a इंटू b। देखिए 5 इज फिक्स, 5 फिक्स है, 5 फिक्स, ओके। ए स्क्वायर, ए पे स्क्वायर है तो a का वैल्यू क्या है 2, तो a इस a के जगह पे हम 2 लिखकर और स्क्वायर जैसे वैसे ही दे दिए, ठीक है। देखो करना क्या था, बस a जो है ना, a का वैल्यू क्या दिया है 2 दिया, a का वैल्यू 2, तो इस a के जगह पे क्या लिख दिया 2, फिर स्क्वायर स्क्वायर दे दिया, माइनस माइनस 2, ओके, इंटू यहाँ कुछ नहीं तो इंटू a, a अगेन 2, a की जगह पे क्या लिख देना बस 2, और b की जगह क्या लिख देना 3। करना कुछ नहीं है, जो जैसे दिया बस a की जगह 2 लिखा, फिर से a की जगह 2 लिखा, b की जगह 3 लिखा, बस a की जगह जहाँ पे a हो वहाँ 2 लिख दीजिए और जहाँ b हो वहाँ पे 3 लिख देना है, और फिर इसे सॉल्व करना, फिर तो आपने सॉल्व करना आता ही है। देखो 2 5, और देखो 2 पे स्क्वायर है, जैसे मैं आपको बताएं 2 पे स्क्वायर है, ठीक है, तो इस इट मीन्स व्हाट, 2 पे स्क्वायर है तो 2 को कितनी बार लिखना है, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू व्हाट 4, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। आप डायरेक्ट यहाँ पे 2 का पावर 2 इज इक्वल टू 4 ऐसे लिख सकते हो, या इस तरीके से जैसे यहाँ पे सॉल्व किया वैसे भी सॉल्व यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। माइनस 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, ओके। नाउ टेल मी 5 इंटू 4 20,
माइनस 12, 20 माइनस 12 इज इक्वल टू 8 इज द आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन जो कि हमारा सिक्स नंबर है इसी क्वेश्चन का, ठीक है, सिक्स नंबर, सिक्स इज गिवन ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ओके, टेल मी ए क्या है, ए की जगह क्या पुट करना है, ए की जगह हमें क्या पुट, आप एरो नहीं करना, जस्ट टू शो यू, ठीक है ना, आई हैव गिवन एरो। ए की जगह क्या करना है हमें, टू, तो देखिए ए के जगह पे टू पुट करना, और क्या है फिर इस पर क्यूब है, बस ए के जगह टू और क्यूब लगा दिया, माइनस बी के जगह क्या लगाना है, थ्री, तो बी के जगह थ्री लगा दिया और क्यूब। नाउ टेल मी इसका मतलब क्या हुआ, क्यूब का मतलब क्या हुआ, किसी पे अगर क्यूब है मीन्स व्हाट, कि इसे कितनी बार लिखना है, तीन बार, टू इंटू थ्री नहीं, इसे ऐसे नहीं लिख देना है टू इंटू थ्री, ये दिस इज रॉन्ग, ओके ना, टू को तीन बार लिखना है, टू इंटू टू इंटू टू, माइनस थ्री, तीन बार, थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, क्लियर। नाउ टेल मी टू इंटू टू फोर, फोर इंटू टू एट, माइनस तो माइनस, थ्री इंटू थ्री नाइन, नाइन इंटू थ्री 27, ओके। नाउ व्हाट यू विल सी कि मैम दिस वन इज स्मॉलर एंड दिस वन इज ग्रेटर, तो आप इंटीजर पढ़ चुके हो, इंटीजर में क्या हमने देखा था, अब प्लस माइनस ऐसा नहीं है हमें कि देखना है कि छोटे में बड़े में से ही छोटा माइनस हो सकता है, ठीक है ना, अब क्या करना है, बड़ा छोटे में से भी बड़े को माइनस कर सकते, तो देखो इसके आगे कोई साइन नहीं, तो मीन्स व्हाट, इसके आगे प्लस है ना, इसे सॉल्व किया तो 8 मिला, माइनस इसे सॉल्व किया तो 27 मिला, और इसके आगे कोई साइन नहीं मीन्स प्लस, तो प्लस माइनस क्या होता है, मैं आपको इंटीजर में बताते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 27 में से जब आप 8 घटाओगे यू विल गेट 19, बट 27 बड़ा या 8 बड़ा है, 27 इसके आगे किसका साइन है, माइनस, तो यू विल गिव द साइन ऑफ माइनस हियर, क्लियर। कुछ भी नहीं, जो जैसे वैल्यू था वैसे पुट करना था। अब देखो क्वेश्चन नंबर, जब आप टू देखते हो तो टू भी सेम टाइप का है, ठीक है, तो टू का एक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, एक्चुअली दो क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, ठीक है, तो टू का, तो देखो लिखा है टू नंबर क्वेश्चन है ना, ये हम आपका क्वेश्चन यहाँ पे लिखे, ठीक है, लिखा है इफ एक्स इज इक्वल टू वन कॉमा वाई इज इक्वल टू टू एंड जेड इज इक्वल टू फाइव देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट वन 3x माइनस 2y प्लस 4z, ओके। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन ये, तो देखो जहाँ जहाँ पे अब x दिया है, जहाँ x हो वहाँ पे 1, जहाँ y हो वहाँ 2, जहाँ z हो वहाँ पे 5, ओके। तो लुक दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, 3 यहाँ कुछ नहीं तो क्या है यहाँ पे, इंटू x की वैल्यू 1 माइनस 2 इंटू y की वैल्यू 2 प्लस 4 इंटू जेड की वैल्यू 5। चलिए तो पहले मल्टीप्लाई करना है हमें, 3 इंटू 1 3 माइनस 2 इंटू 2 4 प्लस 5 इंटू 4 20 डन। नाउ कैन वी पुट दिस प्लस वाला, पहले प्लस के साथ जोड़ लिया जाए, 3 प्लस 3 प्लस 20 23 माइनस दिस 4 विल गेट 19 एज अ आंसर, क्लियर। बस पुट करना था, पुट करने में के बाद जैसे पहले मल्टीप्लाई करके लिखते गए, मल्टीप्लाई कर लिखेंगे हम लोग और उसके बाद इसे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलिए इसी का एक क्वेश्चन हम आपको और बताएंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, टू का थर्ड, 2x² माइनस 3y² प्लस z², ओके। नाउ 2 इज फिक्स, 2 क्या है, फिक्स है, इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 1, एक्स की वैल्यू क्या है 1, तो इस एक्स के जगह पे 1 पे स्क्वायर कर देंगे माइनस, तो विल गेट माइनस 3 फिक्स, इंटू वाई के जगह पे क्या है 2, वाई इज इक्वल टू 2 ना, तो वाई के जगह पे 2 का स्क्वायर प्लस जेड, जेड 5, तो 5 पे स्क्वायर है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं, 2 फिक्स x के जगह पे 1 स्क्वायर माइनस माइनस 3 फिक्स, y के जगह पे स्क्वायर प्लस z के जगह पे 5, ओके। नाउ
देखो सबसे पहले स्क्वायर सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो देखो 2 इंटू अगर 1 का स्क्वायर किया, आप कहीं पे बाहर भी सॉल्व कर सकते हो, अगर 1 का स्क्वायर करेंगे यानी 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू व्हाट 1, तो इसके जगह पे क्या हम 1 लिख सकते हैं, माइनस 3 इज फिक्स 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 इंटू 2 यानी 4, है ना, 4 लिख सकते हो, तो इसके जगह पे इंटू 4 करो, प्लस 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर मीन्स क्या 5 इंटू 5 यू विल गेट 25, 5 का स्क्वायर क्या हो 5 एक बार और ये दो बार, 5 इंटू 5 25, तो यू विल राइट हियर 25, ओके। नाउ सी, अब पहले 1 इंटू 2 2 माइनस 3 इंटू 4 12 प्लस 25, चलिए अब पहले इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है, तो इन दोनों को अब क्या हम ऐड कर सकते हैं, है ना, तो चलो देखो 2 प्लस 25 27 माइनस 12, देखो इन दोनों को ऐड कर दिया और उसमें से माइनस कर दिया 12, तो वी विल गेट 15 एज अ आंसर, ओके। एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।